नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो लिब्रा के बारे में होने वाला है कि आपके कोई भी 9 ग्रहों में से, देखिए राहु केतु इस शैडो प्लैनेट्स, अब उनको भी तब भी इंक्लूडेड करेंगे क्योंकि उनका भी कहीं ना कहीं अपना प्रेजेंस है, बट वो डिस्पोजिटर थ्योरी मैं बार बार बोल रहा हूँ, पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा, कब पढ़ाऊंगा मेरे को खुद नहीं मालूम, बट पढ़ाऊंगा ज़रूर कि वो किस तरीके से काम करते हैं। देखिए आपका कोई भी प्लैनेट आपका लिब्रा में, वो कहीं ना कहीं असर तो डालेगा आपकी लाइफ पर। और मैंने ये चीज़ ऑब्जर्वेशन की है कि प्रैक्टिकल कुंडलियों पर कि भाई जो भी ग्रह कुंडली में बैठा है लिब्रा राशि में, वो व्यक्ति पूरी मेहनत कहीं ना कहीं वो व्यक्ति कोशिश करता रहता है उन चीज़ों को बैलेंस करने की अपनी लाइफ में, उस प्लेनेट के कारक तत्व कह लें या कैरेक्टरिस्टिक्स कह लें, बट वो कर नहीं पाता। और कहीं ना कहीं आपका स्पाउस किस तरीके का, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, कोई भी ग्रह लिब्रा में आ रहा है कहीं पर भी वो राशि पड़ रही है, कहीं ना कहीं स्पाउस के अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे आएंगे। सेकेंडली आपको दूसरे लोग कैसे देखते हैं, अदर पीपल्स कैसे आपको परसीव कर रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, उनका वे ऑफ लुकिंग कैसा आपको आपको लेके, और वो आपको किस तरीके से परसीव कर रहे हैं, आपके बारे में क्या छवि, आपके उनके दिमाग में आपके लिए क्या छवि, वो भी ये रिप्रेजेंट करता है लिब्रा। अब देखिए फर्स्ट हाउस हम खुद है, तो 7th हाउस हमारा लिब्रायन है, हमारा पार्टनर, हमारा स्पाउस है, हमारा अदर वर्ल्ड, हमें दूसरे लोग किस तरीके से परसीव कर रहे हैं, बिजनेस भी है, वेजेस भी है, मनी भी है। 7th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, तभी आप देखेंगे कि 7 मेष राशि में फर्स्ट हाउस में शनि नीच का होता है और 7th राशि में लिब्रा में शनि उच्च का माना जाता है, क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है वहाँ। और 7th हाउस एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है हमारी लाइफ में, मैरिज इज़ वेरी, यू नो आप देखेंगे पहले के टाइम पे कि मैरिज बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी दोनों लोगों के प्रति, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। और आज के उसमें भी 7th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बिजनेस भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई व्यक्ति का बिजनेस कर रहा है और 7th हाउस पार्टनर है, तो पार्टनर भी हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है शादी के बाद कि हम उसकी किस तरीके से देखभाल कर रहे हैं, किस तरीके से केयर कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, अब हम डायरेक्ट ग्रहों पे आते हैं। देखिए अगर आपका लिब्रा में कहीं पे भी लिब्रा राशि पड़ रही है, फॉर एग्जांपल अगर आपका वहाँ पर सूर्य है, तो ये लोगों के अंदर आप देखेंगे इनका जो पार्टनर, पहले मैं आपके इनका कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे इनके पार्टनर का, कहीं ना कहीं स्पाउस थोड़ा ईगोस्टिक मिल सकता है, या कहीं ना कहीं स्पाउस कहीं पर इनको गवर्नमेंट जॉब से रिगार्डिंग भी मिल सकता है, हो सकता है वो इस फील्ड से आता हो, या कई बार ऐसे व्यक्ति का जो स्पाउस देखेंगे आप, तो कहीं ना इन लोगों के रिलेशनशिप में बहुत ईगोस्टिक इशू रहते हैं, इसलिए ये लोग कई बार इनके उतने या कह सकते हैं सोच नहीं मिल पाती ईगो के कारण, वो कहेगा मैं करूँ। यहाँ पर क्या है ना, सूर्य हमेशा अपने आप को प्राइम पे रखना चाहता है, तो हो सकेगा स्पाउस अपनी अपनी चलाएगा, और इनके इसलिए मैंने देखा है कि ये लोग ज़्यादा ना फ्रेंडशिप भी नहीं बना पाते, इनके फ्रेंड्स से भी कहीं ना कहीं अपना फ्रेंड सर्कल भी इनका कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है कई बार ईगो के मतलब ईगोइस्टिक नेचर के कारण। और कहीं ना कहीं हो सकता है सामने वाला बंदा ये तो बहुत ज़्यादा व्यक्ति को सामने अच्छी गाइडेंस देने की कोशिश करें, अपने आप को प्राइम रख के उसकी अच्छे मदद करने की कोशिश करें, पर कहीं ना कहीं इनके आप देखना सूर्य लिब्रा वालों के अंदर कि इनको ना जो दूसरे लोग हैं कहीं ना कहीं ईगोस्टिक कई बार समझते हैं, बहुत ईगो है यार इनका, चेहरा देख के समझेंगे ये बहुत ईगोस्टिक नेचर है इनकी बातों से कई बार, क्योंकि अपनी अपनी चलाएंगे। ठीक है, इनका पार्टनर भी ऐसा होता है, तो कई बार इनके लोगों को पार्टनर, इनके जो समाज होता है ना, इनके पार्टनर को कई बार ईगोइस्टिक बहुत घमंडी सा भी समझता है। अब किसी का मंगल जैसा ग्रह है कि अगर जितने बेनिफिट होंगे 7th राशि में वो अच्छा है, कूर ग्रह कहने के यहाँ पर तहलका मचाने की काम करेंगे, मंगल है 7th हाउस में पार्टनर के बीच में झगड़ा करवाते हैं, और कहीं ना कहीं आपको सामने वाला जो व्यक्ति होगा, जो अदर वर्ल्ड होगा, लाइक कोई दूसरा व्यक्ति, वो आपको इस तरीके से परसीव कर सकता है कि व्यक्ति बहुत झगड़ालू है, गंदी गंदी वाणी बोलता है, बहुत जल्दी क्रोधित है, ऐसा समझ सकते हैं। और इनके रिलेशनशिप में आपको देखने को मिलेगा इनका पार्टनर भी कई बार बहुत एग्रेसिव या एरोगेंट कई बार मिल जाता है, अगर राहु और ज़्यादा मैलिफिक इन्फ्लुएंस आ जाए तो डेफिनेटली एरोगेंट पार्टनर भी दे देता है लिब्रा वाले मार्स को। और कहीं ना ये लोग ना देखना रिलेशनशिप में इनके झगड़े बहुत रहते हैं यहाँ पर, क्योंकि मंगल ना शुक्र के साथ कई बार, क्योंकि इसलिए देखिए शुक्र मंगल की युति भी इतना अच्छा नहीं मानी जाती, अगर आप देखेंगे उठा के कुंडलियों में, वो कहीं ना कहीं पार्टनरों के बीच में झगड़ा कराती है, इसलिए लिब्रा में भी मंगल इतना बेनिफिट नहीं होता। और अगर बात करें जैसे गुरु यहाँ पर हो, तो इनको पार्टनर ऐसा मिल सकता है जो कि इनको अपनी लाइफ में हर एक पाथ, हर एक रिलेशनशिप में गाइड करना सिखाए। रिलेशनशिप इनका इसलिए अच्छा कई बार चल जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पार्टनर गाइडेंस वाला भी मिल जाता है, नॉलेजेबल मिलता है बहुत पार्टनर। ठीक है, उनको हर चीज़ की नॉलेज होती है, बिजनेस की नॉलेज होती है इनके कई बार पार्टनर को बहुत अच्छी, तो हो सकता है इनके बिजनेस में हेल्प करें इनके सामने वाले पार्टनर को। लिब्रा में जुपिटर है तो हो सकता है कई बार पार्टनर ना आपको इस तरीके का मिल जाए कि वो हर फील्ड की नॉलेज रखता होगा, और कई बार जॉब करने वाला पार्टनर मिलता है लिब्रा में आपका जुपिटर है, कई बार पार्टनर ना अदर कास्ट के भी मिल जाते हैं और कई बार दूर सिटी के भी मिलते हैं। और लिब्रा में जब भी जुपिटर आएगा ना, आपको पार्टनर बहुत बहुत ज़्यादा समझदार मिलेगा, वो आपको हमेशा गाइड करता रहेगा, आपको कभी गलत मार्ग पे नहीं चढ़ने देगा, मैंने ये चीज़ देखी है। अब फॉर एग्जांपल किसी का लिब्रा में आप मान के चलिए चंद्रमा आ गया, तो यहाँ पर ना व्यक्ति हमेशा अपनी कोशिश करता रहता है पूरी लाइफ में, इनको कई बार पार्टनर बहुत सुंदर मिलता है, नो डाउट। लिब्रा वाले आप देखेंगे जिनका मून है, इनके पार्टनर बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा। हाँ पर उनके साथ एक इशू रहता है कि यहाँ पर ना इनका पार्टनर बहुत मूड ही मिलता है इनको, कई बार तो बहुत प्रसन्न होगा, कई बार बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन वाला स्थिति आ जाती है, क्योंकि चंद्रमा आप देखेंगे 15 दिन शुक्ल पक्ष, 15 दिन कृष्ण पक्ष, तो घटता बढ़ता रहता है। फिर दूसरा पार्टनर बहुत ज़्यादा हो सकता है सुंदर हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल मिलेगा, आपकी बहुत केयर करने वाला होगा और आप भी उसकी बहुत केयर करेंगे, लिब्रा वाले मून देखेंगे आप। और इनको ना अदर वर्ल्ड बहुत अच्छी तरीके से ये लोग ना अपना दूसरे लोगों से अपने इमोशनल बॉन्ड करना बनाने की कोशिश करते हैं हमेशा, लिब्रा वाले मून। अगर आप इनकी मदर को भी उनका नेचर देखेंगे ना, इनकी मदर भी बहुत सुंदर मिलेंगी आपको, बहुत केसेस में मैंने देखा है। और कहीं ना कहीं इनकी मदर की भी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा मूडी नेचर हो सकता है, या इनकी मदर भी बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बनाती हूँ, ये मेरा एक वो रहा है, आप मेरे को बताना ज़रूर। और मदर सुंदर मिलेंगी, बहुत इमोशनल मिलेंगी इनकी मदर भी। और कहीं ना कहीं इनका पार्टनर भी ऐसा आता है कई बार जो कि मदर जैसी टेंडेंसी रखता हो, ये हमेशा अपना पार्टनर में वो चीज़ देखने की कोशिश करते हैं लिब्रा वाले मून, कि जो इनकी माँ के अंदर है तो वैसे पार्टनर ढूंढने की कोशिश करते हैं, हमारी माँ जैसा ही हो, मतलब बहुत इमोशनल, केयरिंग, सेंसिटिव। और कई बार इनका पार्टनर ऐसा मिलता है बहुत जल्दी जल्दी रो भी जाता है, ठीक है। अब किसी का बुध आपके लिब्रा में आके बैठ गया, तो यहाँ पर ना देखिए बुध इन सेवेंथ हाउस में हमेशा अच्छा नहीं मानता, पर लिब्रा में बुध आता है, शुक्र का मित्र है भले, पर ना इनका पार्टनर बहुत ज़्यादा ऐसा मिल जाता है, यानी कि वो अपने तर्क वितर्क निकालता रहता है पूरी उसमें रिलेशनशिप में, तो ऐसा इनको पार्टनर मिल सकता है। फिर दूसरी बात, इनको बिजनेस बहुत अच्छे ग्रो करते हैं मरकरी सेवेंथ हाउस या लिब्रा वाले, आप देखना बहुत ज़्यादा बिजनेस इनको आइडियाज़ रहते हैं, बिजनेस आइडियाज़ बहुत रहेंगे, बिजनेस इनको पता है किस तरीके से करना है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, दे नो वेरी वेल, सब कुछ इनको मालूम है। बट मरकरी इन लिब्रा आप देखेंगे पार्टनर बहुत यंग मिलता है, पार्टनर बहुत आपको कैलकुलेटिव मिलेगा, बहुत ज़्यादा अकाउंट सीए वाले पार्टनर भी मिलते हैं कई बार बिजनेस माइंडेड पार्टनर मिलते हैं, पर ना इनके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक वो होता है ना सेक्सुअल इश्यूज आ जाते हैं कई बार। और ये मैं ये कह नहीं रहा कि आएंगे, अगर सैटर्न का एस्पेक्ट है, राहु का एस्पेक्ट है, तो बहुत केसेसों में मैंने देखा है। और मरकरी आप देखेंगे लिब्रा वाले पार्टनर ना बहुत ज़्यादा यंग भी मिलते हैं, बहुत ज़्यादा यंग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनते हैं ऐसे लोगों के। चलिए ये बात तो बात की बात है, मैं अभी और भी चीज़ें मेरे को प्लैनेट कंप्लीट करने हैं। जुपिटर हो गया सैटर्न लिब्रा, यहाँ पर व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाता रह जाता पूरी ज़िंदगी रिलेशनशिप में, कोशिश करता है कि मैं इसको खुश, पर ये कभी बैलेंस नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को। यहाँ पर शनि ना न्याय का कारक है, अगर आप जिस तरीके का कर्म करेंगे आपको उतना ही लौट के आएगा, अगर आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे से तरीके से रिलेशनशिप निभा रहे हैं तो आपको जो रिटर्न ऑफ वो आएगा ना उनकी तरफ से फीडबैक, वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। पर हाँ मैंने देखा लिब्रा सैटर्न वाले ना बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय होते हैं रिलेशनशिप में, लेके वो कभी अन्याय भी नहीं होने देते इनको, मैंने देखा पॉजिटिव साइड है लिब्रा अगर मेले पे एक्सपेक्ट ना हो तो। और सैटर्न लिब्रा बिजनेस अगर ये करते हैं मेटल या आप मतलब बहुत सारे जितने भी शनि के बिजनेस अगर ये वो कर रहे हैं तो उनको डेफिनेटली ग्रो मिलेगा। और अगर कहीं ना कि इंडिपेंडेंस अप्रोच रखते हैं कई बार सैटर्न लिब्रा वाले रिलेशनशिप को लेके भी इनकी इंडिपेंडेंट अप्रोच होगी। और ना इनका पार्टनर आप देखना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ठंडी प्लेस से जो आते हैं पहाड़ी प्लेसों से, अगर वो नहीं होगा तो पास से भी आते हैं, तो आपको ऐसे पार्टनर मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा ना दुखी जल्दी हो जाते हैं, ऐसे पार्टनर मिलते हैं लिब्रा वालों को। और इनको ना सामने वाला इंसान ऐसे ही परसीव करता है जो दूसरे लोग हैं कि भाई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कर्म प्रधान है, न्यायप्रिय है, ऐसा लोग समझ के कई बार चलते हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर समझ के चलते हैं सामने वाले को। जुपिटर हो गया, मार्स हो गया, वीनस इन लिब्रा, इट इज़ वेरी गुड पोजिशन, ये आपको स्वरस ही हो गया पहली बात तो। और जब भी आप देखेंगे वीनस लिब्रा वाले के ना पार्टनर बहुत ब्यूटीफुल मिलता है, बहुत ज़्यादा उसको लग्जरियस का बहुत शौक होता है, बहुत ज़्यादा इनको अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी मिलेंगे ना बहुत सुंदर मिलेंगे। और ना ये रिलेशनशिप इनका अच्छा चलता है वैसे तो, कई मानो हैंडसम पार्टनर होगा अगर फीमेल है तो, फीमेल किसी मेल के कंडीशन में तो सुंदर वाइफ मिलेगी ब्यूटीफुल मिलती है। और बिजनेस करते हैं, इंडिपेंडेंट काम करते हैं खुद का, और अच्छा इनको अप्रोच भी रहती है मार्केट की, मार्केट के आइडियाज़ बहुत अच्छे रहते हैं इनके पास। और मतलब ये लोग देखिए बेनिफिक ग्रह अगर आपकी लाइफ में लिब्रा में आ रहे हैं तो आपको दुनिया अच्छी तरीके से परसीव करेगी, इतना समझ लेना। मैलिफिक एस्पेक्ट आ रहे हैं जैसे राहु केतु भी आ जाते हैं, राहु आ जाता है लिब्रा में तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को ख़राब करता है पहली बात तो। दूसरी बात, आपको सामने वाला व्यक्ति जो है ना परसीव अच्छी तरीके से नहीं कर रहा, कभी ये मत सोचना क्योंकि वो आपके उनके दिमाग में आपके लिए कुछ ना कुछ खाली पुलाव चलते रहते हैं कि ऐसा है वैसा, वो आपके तर्क वितर्क निकालते रहेंगे। केतु है तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल समझ सकते हैं आपको कई मामलों में सामने वाला व्यक्ति, पर कहीं ना कहीं आपको दूसरी दुनियाओं से कनेक्ट नहीं होने देगा कभी भी लाइफ में। केतु डिटैचमेंट का कारक है, लिब्रा में आता है तो पार्टनर से डिटैच करवा देता है, या तो फिर सामने वाले व्यक्ति से डिटैच करवा देगा, जितने भी आपके फ्रेंड नहीं बनने देगा ज़्यादा लोगों से घुल मिलने नहीं देगा, ऐसा मैंने देखा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।